डॉक्टर नमो वेत्रागाय साहब, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम नमो वज्जायानम, नमो लोए सव साहुनम नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पनासनो सव पावप्पनासनो, मंगलानं च सव्वे सिम मंगलानं च सव्वे सिम, पद्मं हवई मंगलम पद्मं हवई मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप जी, हाँ जी, आप गो अहेड। हाँ, वो सब जम जम ना झरने CD 46। सबको जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी जय सच्चिदानंद, जय भक्तानंद जी जय सच्चिदानंद। आप पूछिए दफ्तर। हाँ, ये सेकंड पैराग्राफ में है, जीवतर ना वगड़े गंगा ना जल। वगड़े गंगा ना जल थोड़ा समझा दिए, तो आगे भी लाइन में बता देता हूँ। पवित्र पवित्र छांटो दादा दर्शन। हिंदी सत्संग है ना दीपक आनंद जी, हिंदी में बात करनी है ना, हिंदी में है। तो वगड़ा का मन है जब हम जंगल प्रदेश में जाते हैं जी, तो उसको वगड़ा, गुजराती में वगड़ा बोलते हैं। बगड़ा जब जंगल प्रदेश में जाते हैं तो वो वीरान जंगल प्रदेश जैसा जो होता है ना, उसको वगड़ा, गुजराती में शब्द वगड़ा, उसके लिए वगड़े शब्द अच्छा, है। वीरान जंगल तो प्रदेश। मेरा मेरा जीवन हाँ ये वीरान जंगल जैसा है, अच्छा, एकांत जंगल जैसा है, जिसमें गंगा के जो जल है वो बहुत पवित्र माने गए हैं हमारे में। और गंगा के जल जहाँ जाते हैं, यहाँ जहाँ सिंचन होता है, वो बहुत हरा भरा हो जाता है, ऐसी एक हमारी समझ है। तो ये बोलते हैं कि जीवतर ना वगड़े गंगा ना जड़। मैंने मेरा जो ये वीरान जंगल जैसा जीवन है, उसमें आप गंगा के पवित्र जल का छंटकाव कीजिए, या तो छंटकाव हुआ है दादा के दर्शन से, ऐसा उसका एक कवि कहना चाहते हैं कि जिससे मेरा जीवन हरा भरा और पवित्र हो गया। जी, क्लियर है। आगे का है पैराग्राफ, प्यारे गुरु ज्ञान ज्ञान पैगंबर, इने रहियो थई दिखाड़ियो जात्यंतर। ज्ञान ज्ञान पैगंबर और जात्यंतर। वो जो अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, संदेश लेके आते हैं, उनको पैगंबर बोला जाता है। तो इस प्रकार से, और ये वाहे गुरु या प्यारे गुरु, वो भी ये कबीर पंथी या सिख पंथियों में एक शब्द है, पवित्र शब्द है। तो ये हमारे दादाजी जो ज्ञान जो दिया हमें, वो ज्ञान लेके आए, 10 लाख वर्ष से जो बंद थे ज्ञान के दरवाजे, जो उन्होंने खोले, तो बोलते हैं वही पैगाम लेके आए। मैंने यहाँ अल्लाह तो कोई उस प्रकार से है नहीं, मगर जिसको जो भी मानता है, तो बोले उसका दिव्य शुद्ध ज्ञान प्रकाश जो लेके
के आए, वही हमारे लिए पैगंबर, वही हमारे प्यारे गुरु। और गुरु तो हम गुरु से भी कई आगे परमात्मा पद, मगर उन्होंने लघु होके, सबसे छोटे होके हमें ये परिवर्तन करने वाला, जात्यांतर का मतलब है मैं शैलेश हूँ, ऐसे नर या नारी जाति में मेरी जो मान्यता थी उसमें से मैं शुद्धात्मा हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया। तो बोले वो लघु होके उन्होंने ये पूरा परिवर्तन करने वाला विज्ञान हमें दिया, ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान ज्ञान दो बार क्यों बताया है? वो भार देने के लिए विशेष रूप से बताया है कि ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान और अलावा कुछ नहीं। फिर आगे है, और ये पहला ज्ञान वो हमें दिया हमारे जो सद्गुरु वो, और दूसरा ज्ञान पैगंबर को जो लागू होता है, ऐसे भी समझ सकते, कोई भी तरीके से समझ सकते जी। फिर आगे जो है, पानो पलटी ने पमाड़ियु पट अंतर शादा शब्दो थी घटावियु ज्ञान अम्फर। ये पट अंतर में, इसमें थोड़ा सा पट अंतर में को समझ में आया कि ये वो अपना जो कर्टन होता है इस तरह से, या जुदाई के अर्थ में आया, तो इसमें कुछ यही सही है डैश अंतर कुछ लिखा हुआ है तो मैंने पूरा परिवर्तन हो गया। पटांतर का मतलब यहाँ है पूरी मेरी दृष्टि बदल गई, ऐसा मतलब है। अच्छा, और सादा शब्दों ना घटावियो ज्ञान अम्फर। मैंने ब्रह्मांड का ये जो गुह्यतम ज्ञान माना गया है, जिसको गीता में गुह्य गुह्यतम ज्ञान बताया गया है, वो दादाजी ने सादे सरल शब्दों में हमको ये पूरा ज्ञान सिर्फ दिया नहीं, हमारे अंदर में घुटाया, मैंने बिल्कुल पक्का कर दिया। जैसे एक बच्चे को आप एक एक ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल कितना उठाते हैं तो वो जिंदगी भर भूलेगा भी नहीं, ऐसा उसको उसको ज्ञान का अम्फर बोलते हैं। अम्फर शब्द तो ऐसे वो प्रास बिठाने के लिए लिखा है। अच्छा, उसका कोई मतलब नहीं है ये, वैसे प और ट वो मतलब इसलिए प्रास बिठाने के लिए वो। हाँ, आप ऊपर से देखो र का प्रास बिठाया है, पैगंबर जात्यांतर पटंतर ज्ञानम्फर, वो प्रास बिठाया है। पटंतर का मतलब है, मगर वो ज्यादातर तो प्रास बिठाया है। समझ। अच्छा, नेक्स्ट जो है, गुण गण गुण सवानंदे असीमा राग निवेड़ो लावे प्रेमिक के आजम। इसमें जो पहला लाइन में असीमा राग तो समझ में आया, सवानंदे असीमा राग, गण गुण क्या बता रहे हैं और प्रेमिक के आजम वो समझ नहीं है क्या बता। अपने खुद के जो गुण हैं, शुद्धात्मा स्वभाव के अपने जो गुण हैं, वो गण मैंने हम सब पूरी संख्या समूह उसको गण बोलते हैं। तो ये हमारा दृष्टि प्राप्त पूरा समूह, और शुद्धात्मा लक्षी शुद्ध उपयोगी पूरा समूह गण जो है, एक स्वभाव वाले एक दृष्टि वाले व्यक्तियों का समूह, और अपने गुण के स्वानंद से, अपने गुणों की भजना करते हुए स्व के आनंद से असीम की आराधना कर रहे हैं, असीम आराधना कर रहे हैं, सब इसका कुछ मतलब कर सकते हैं उसका। अच्छा, निवेड़ो लावे प्रेमी क्या सम, हम दादाजी के साथ और बाद में सभी महात्मा के साथ और बाद में जगत के जीवों के साथ प्रेम से एकात्म भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो ये प्रेम से पहले तो दादा मैं ही, गुजराती में लिखा ना कि हूँ जे दादा माने दादा जे मुझ माँ अजब अभेदता जानी रे, प्रेम से एकात्म भाव का अनुभव कर रहे हैं हम। प्रेम और ऐक्य दो शब्द है उसमें। समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो दो लाइन छोड़ के प्रतिभासी अकारो विशेष भाव भाव समीप्य भ्रांति जने वैश्वी प्रभाव। प्रतिभासी क्या होता है? ये कह रहे जगत आत्मा का विकल्प है, ऐसा एक वाक्य जो आया ना, तो ये अपने उदाहरण बहुत प्रचलित है कि चकली होती है जो तो आईने के सामने बैठती है,
तो उसको लगता है कि आईने में दूसरी चकली है, तो उसका प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जो पड़ता है अंदर, उसी प्रकार से ये सामीप्य भाव से दो तत्वों का समीप आने से जो सामीप्य भाव खड़ा हो गया, मैं शैलेश्वर मैं कर रहा हूँ, और वो सामीप्य भाव से जो ये भाव पूरे भावाभाव बनते रहते हैं भ्रांति से, उससे जड़ना, मैंने प्रसूति करना, उसको जन्म देना, तो विश्व को का जन्म इस तरीके से हुआ है कि अपने शुद्धात्म स्वभाव में को न जानते हुए सामीप्य भाव से जो भ्रांति खड़ी हुई थी उसमें जो भावाभाव खड़े हुए विशेष भाव से, उसमें वो ही उससे ये वो भ्रांति से मैं हूँ, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, ये सब भ्रांति से ये पूरा पूरे विश्व विशेष भाव का आकार हो गया, ऐसा बताना चाह रहे हैं, उससे पूरा पूरे विश्व का जन्म हुआ आकारो, मतलब वो आकार, उसका आकार रूप स्वरूप हो गया, वो ज्ञेय और दृश्य का ज्ञेयाकार और दृश्याकार बोलते हैं, आकार मैंने रूप रंग वाला, उद्गल है तो उसको रूप है, रंग है, स्पर्श है, गंध है, शुद्धात्मा के सिवा तो सभी ज्ञेयो दृश्यों का आकार है ना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पहला सेंटेंस लिखा है, बद्धी मतनी संचार गांठ डिस्चार्ज से, ये गांठ तो समझ में आता है, मत की जो मत की मतलब बुद्धि यहाँ पर आया, लेकिन गांठ में शायद मन की गांठ होती है, संचार क्या बता रहे हैं, संचार गांठ संचार मैंने चलने वाला चलाने वाला जिसमें वाइब्रेशन या मूवमेंट दिखाई देता है, संचार मैंने टू मूव, तो ये मन में जो संचार पहले होता है अंदर वाइब्रेशन या पुद्गल या स्पंदन खड़ा होता है गांठों के आधार से, वो सचमुच में डिस्चार्ज है। बद्धि का मतलब यह सभी ऐसा है, ये डिस्चार्ज है, ये वाणी की जो वो है वो भी डिस्चार्ज है, देह की क्रिया भी डिस्चार्ज है, ये सूक्ष्म और परमार्थ के लिए पूरा सिद्धांत है, मगर कब, जब मैं दृष्टि प्राप्त करता हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरी भ्रांति टूटती है उसके बाद, नहीं तो वो अकेला डिस्चार्ज नहीं, मगर डिस्चार्ज चार्ज दोनों होता है, मैंने डिस्चार्ज चार्ज है या तो डिस्चार्ज में चार्ज है। संचार मतलब वो वाइब्रेशन के अर्थ में आता है ना। हाँ, संचार मैंने अंदर जो हिलता है, हलन चलन हिलता है, वाइब्रेशन होता है, संचार होता है। पूर्ण सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ किसको कहते हैं, सिद्धार्थ सिद्ध अर्थ जो अपना पूरा अंतिम अर्थ क्या है, तो मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, तो अंतिम सिद्ध दशा को प्राप्त करवाने वाला या अंतिम सिद्धि को प्राप्त करवाने वाला, अंतिम सिद्ध स्वरूप जो अर्थ है तो ये है। लास्ट पूछता हूँ, शासन श्रृंगारे चक्षुष दिव्य, ये थोड़ा लाइन समझे, ये दिव्य चक्षु जो दिए रिलेटिव और रियल को से देखने के, जो अर्जुन को 5 मिनट के लिए दिए गए थे कृष्ण भगवान द्वारा, जो हमारे को हमेशा के लिए दिए गए हैं, तो उससे शासन का श्रृंगार, मैंने शासन श्रृंगारित हो चुका है, शासन सुशोभित हो चुका है, या शासन सुशोभित होता है, या शासन को सुशोभित करने वाली ये दिव्य चक्षु की अद्भुत भेंट है। ये वितराग शासन की बात कर रहे हैं? हाँ, वितराग शासन की बात, धर्म शासन, वितराग शासन, जो भी शब्द आप यूज करें। अच्छा, त्रिलोक के अद्वैत प्रादु पूनम, मतलब प्रादेशी का पूनम हो गया अद्वैत। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो हम बोलते हैं, हम मैं केवल ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, मुझे ये जानना है कि इसमें थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ताकि अंदर से फिट हो जाए समझन और वो क्रिया में आ सके आसानी से, कि ये कौन कौन बोलते हैं, ये कौन एग्जैक्टली कौन बोलते हैं ये कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप। जो भान में आया अभी तक, जो नींद में था, मैं कश्यप हूँ तो नींद में था, मैं शुद्धात्मा हूँ तो भान में आया, और भान में आके जिसने बीज से पूर्णिमा की यात्रा शुरू की है, शुरू हुई है जिसकी, जो बीज से पूर्णिमा तक जाने के लिए पुरुषार्थ ही हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है, वो बोल रहा है।
लेकिन आप एक चीज ठीक है वो बोल रहा है, लेकिन आप एक चीज देख हम नोट करेंगे कि वो जो बोल रहा है वो मतलब रिलेटिव की मदद से बोल रहा है, वो खुद रियल के तरफ हो गया या उसको बोले कि रियल उसने बोला मैं आत्मा हूँ या केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, लेकिन अभी केवल ज्ञान स्वरूप या आत्मा जो है वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो एक तरह का आपको नहीं लगता कि पार्टनरशिप है, मतलब कि ये कैसे ये कैसा ये है, मतलब ये थोड़ा सा किस तरह से सेटिंग आप बता। अरे भैया, मैंने बार बार बोला कि ये प्रयोग रिलेटिव रियल प्रयोग बोला जाता है, हाँ रिलेटिव अकेला रिलेटिव नहीं है। और बोलता अकेला है आपको स्थूल वाणी है वो रिलेटिव की है, मगर उसका जो सूक्ष्म परिणाम है वो हाँ रियल स्वर रियल का परिणाम है। तो परिणाम है। वो एक पद में आया है, अंतिम हेतु सिद्धक वाणी होय ज मंत्र स्वरूपे, ई मंत्र ने घुटता घुटता स्वानुभव सुखवर्ते। उसमें है कि स्थूल प्रयोगे सूक्ष्म समाधि सर्वज्ञ जदभूते, तो मैं शुद्धात्मा हूं भले शैलेश रिलेटिव वाणी से बोलता है, मगर उसका जो रियल परिणाम है वो शुद्ध उपयोग का परिणाम है, स्वभजना का परिणाम है। तो ये निश्चय का प्रतिपादन करने वाला व्यवहार बोला गया है, जो व्यवहार मैंने मन वाणी काया की क्रिया निश्चय को आगे बढ़ाती है, निश्चय में परिणमित होती है, निश्चय का जिसमें ज्यादा उघाड़ होता है, ऊर्ध्वगमन होता है, ये रिलेटिव रियल प्रयोग है महात्माओं का। समझ गया, दोनों की पार्टनरशिप है एक तरह से। वो पार्टनरशिप शब्द यूज करो कि ना करो वो आपके ऊपर है, अच्छा दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, मगर दोनों एक दूसरे को हेल्पिंग या सामान्य समांतर या पैरेलल चल रहे हैं। और दादाजी ने दिया तो आप बोलेंगे उन्होंने तो रिलेटिव ने दिया, मगर रिलेटिव ने दिया तो रियल कैसे जागृत हो गया, क्योंकि उनके खुद में रियल पूरा प्रकट था, प्रकट है, और उसको स्पर्श करते हुए जो रिलेटिव वाणी निकली तो हमारे आवरण को उसने तोड़ा और हमारे अंदर को के भगवान को जगा दिया। तो नहीं, मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो बातचीत का अपने से बात फाइल वन से बातचीत करने का प्रयोग करना था, तो इसलिए थोड़ा फिटिंग हो नहीं जाए नहीं जरूर और जरूर जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। तो ये मेरा सिद्धांत उद्देश्य। सिद्धांत है कि अंत तक ये रिलेटिव और रियल दोनों का प्रयोग समांतर साथ में चलता रहता है। अकेला रिलेटिव भी नहीं होता है, अकेला रियल भी नहीं होता है। जो जो रिलेटिव से मानते हैं कि क्रिया हो रही है वो ज्ञान क्रिया और दर्शन क्रिया के साथ में है, रियल के समझ के साथ में है, तो अंदर में रियल में परिणमित होती है। धीरे धीरे रियल बढ़ता जाता है, रिलेटिव का थोड़ा वो सरल होता जाता है, ऐसे होता हाँ, जाता दोनों को फायदा है। वो तो मैंने बोला कि रियल जैसे जैसे प्रकट होता जाता है, उसके आनंद से, उसकी जागृति से, उसकी निगरानी से, उसकी नजरों नजर में है, ज्ञान दर्शन की जागृति में, तो रिलेटिव भी शुद्ध होता जाता है, सहज होता जाता है, उसमें भी आनंद दिखाई देता है, और वो हल्कापन आनंद सब कुछ वो उसकी डिग्रियां बढ़ती जाती है। और दूसरे छोर पर रियल का परमानंद, उसका ज्ञान दर्शन, उसकी सब अवस्थाएं बीच से पूर्णिमा की तरफ जाती रहती हैं। समझ में आए। धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता में सच्चिदानंद नलवर गीता में जय हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद। स्वामी जी से अभी बात कर रहे थे, इसमें बोल रहे थे कि केवल ज्ञान मतलब किसको फील होता है, तो दादाजी ना वो उसका मैं बाबा और मंगलदास की जो बात करते हैं ना, जी तो रिलेटिव पार्ट में तो मंगलदास और रियल पार्ट में मैं, और जो बाबा की बात करते हैं वो यही तो कि बाबा फील करता है उसको। हाँ बराबर। तो उसको अंतरात्म दशा बोलते हैं हम, जो हाँ भावा है वो अंतरात्म दशा है हमारी, और अंतरात्म दशा में ये सब पुरुषार्थ और शुद्ध उपयोग के प्रयोग और वो सब चलता रहता है। तो वो मूल मैं की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। ये भावा आप जो बोलते हैं वो
भान में आया है, जो जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको पांच आज्ञा प्राप्त हुई है, जिसको जो पुरुषार्थी हुआ है, शुद्ध उपयोगी हुआ है, वो अंतरात्म दशा है, उसकी बात है। हाँ, क्योंकि दादाजी का जो मेन खोज थी वो यही तो दादाजी की मेन खोज रही कि ना तो रिलेटिव वाला पार्ट रियल में जाएगा Yes. और ना रियल वाला पार्ट रिलेटिव में जाएगा, फिर इन दोनों को महसूस करने वाला कौन, उसको दादाजी ने बाबा बोला। बिल्कुल, इसमें आप्तवाणी 13 में दादाजी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। यही तो मेन खोज रही थी दादाजी की, व्यवस्थित शक्ति की। जी जी, जो इन्होंने ये वाला पार्ट खोज के बोला, नहीं तो सब लोग रियल और रिलेटिव से ही तो आत्मा को खोज रहे थे और इनका दोनों का एक दूसरे का गुण नहीं था। हाँ, व्यवस्थित शक्ति अलग है और अंतरात्म दशा अलग है। हाँ, दोनों अपने अपने स्थान पर अद्भुत हैं। यही तो मेन खोज थी दादाजी की। बहुत सारी मेन खोज मैंने पूरा ब्रह्मांड के ज्ञान के दरवाजे खुल गए किसको। हाँ, व्यवस्थित जरूर से मेन बोल सकते हैं, मगर क्या नहीं था खोज, यदि आप सोचो तो सब संपूर्ण विज्ञान प्रकट हुआ। क्या हुआ, नहीं तो एक पक्षी एक अंगी होता था। कई शास्त्र सिर्फ निश्चय की बात करते हैं, कई शास्त्र व्यवहार लक्षी क्रियाओं की ज्यादा बात करने लगे। व्यवहार निश्चय दोनों आए और वो भी अपने निजी दैनिक संयोगों में रहते हुए, वो तो अद्भुत चीज है। दादाजी ने बोला कि आत्मा सूक्ष्म भी है, तो वो सूक्ष्म छू, और इधर आत्मा को आकाशवत भी बोला है, वो किस कैसे मतलब उसको समझेंगे हम? मैं सूक्ष्म हूँ या मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म हूँ, जब हम बोलते हैं तब ये हमें अपनी समझ और जागृति के अनुसार हमें वेद विज्ञान से इन सब से अलग शुद्धात्मा पद में स्थिर होने के लिए हेल्पिंग है। जैसे मैं मन से सूक्ष्म हूँ, मैं डिस्चार्ज अहंकार से भी सूक्ष्म हूँ, मैं विषयों से भी सूक्ष्म हूँ, ये अंतर अंदर में जो असरें होती हैं उनसे भी मैं सूक्ष्म हूँ, ये सब से अति सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये अपने खुद के पुरुषार्थी स्वभाव में उसका उपयोग करते हुए कई बार हमें अंतस्करण में जो छोटे छोटे परिणाम होते हैं हम अपने आप को अलग न कर पाए, या तो हमें लगे कि मुझे असर हो गई, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, तो वहाँ पर ये एक प्रकार से हमें हेल्प करता है, या तो हम अलग हो जाते हैं। तो मैं तो कई बार ऐसा समझता हूँ कि भाई मैं सूक्ष्म हूँ, तो ये वर्ल्ड का सूक्ष्माति सूक्ष्म आप जो भी समझते हैं, अच्छा आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, एटॉमिक माइक्रोस्कोप से, अणु परमाणु, वो तो रूपी है, ठीक है, मगर हमारे अंदर में जो हो रहा है, वो जो सूक्ष्म मन के परिणाम हो रहे, सूक्ष्म चित्त का हलन चलन हो रहा है, सूक्ष्म स्पंदन हो रहे, सूक्ष्म असरे हो रही है, बाहर नहीं होती मगर अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे छोटा 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 जो हो रहा है वो सबसे अति सूक्ष्म और खास तौर पे मन से भी सूक्ष्म। वाणी तो स्थूल सूक्ष्म है, तो उससे तो मैं सूक्ष्म हुई हूँ। डिस्चार्ज अहंकार जिसको हम बहुत नजदीकी वाले मानते हैं, उससे भी भिन्न अति सूक्ष्म। विषय को जो हम बोलते हैं कि अंदर तक उसके असर है, उससे भी अति सूक्ष्म ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। और आकाश जैसा, ये तो एक सिमिली दी है कि आकाश जैसे पकड़ा नहीं जाता, फोटोग्राफी भी नहीं होती, वो सब जगह व्याप्त है, उसको हम रिलेटिव सूक्ष्मता के लिए आकाश का उदाहरण देते हैं, मगर उससे भी अति सूक्ष्म ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। और दूसरा, ये सूक्ष्मता का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है कि लोग बोलते हैं कि डायमंड में जगह नहीं होती है, वो बिल्कुल कम होती है, जितनी स्पेस अंदर कम, वैक्यूम कम, उतना उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल। तो दादाजी बोलते हैं ये सबसे तो मैं अति सूक्ष्माति सूक्ष्म हूँ, जो पहाड़ों में से भी निकल सकता है, कहीं से भी आर पार जा सकता है। तो इस प्रकार से समझाया गया है, मगर हकीकत तो ये है कि जब हमें वो अनुभव हो
होगा, उतने स्टेज पर हम पहुंचेंगे तब अपने आप को उसका अनुभव होगा कि मेरा चैतन्य घन स्वरूप जो है कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मगर ये समझने के लिए हमें बताया गया कि मैं, अच्छा अग्नि से भी मैं सूक्ष्म हूँ तो अग्नि भी मुझे जला नहीं सकता है, तो ये सबसे मैं इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म हूँ कि कोई चीज मुझे छू नहीं सकती। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने बोला नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, मुझे अग्नि भी जला नहीं सकती, शस्त्र छू नहीं सकते, एटम बम परमाणु बम जो भी बोलो कुछ मुझे छू नहीं सकता है। इतना भी सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसा चैतन्य घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मगर ये सब सब एक जानकारी और समझ के लिए हम उपयोग करते हैं, दूसरा वेद विज्ञान के रूप में अंदर से अलगपन महसूस करने के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं प्रयोग के जरिए। बताइए आगे रिलेटिव ये जो 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 आत्मा के जो बाहरी जो गुण बताए गए हैं भाई, इसके चार तो मूल गुण हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और शक्ति, लेकिन जो बाकी के जो गुण बताए गए हैं वो रिलेटिव पार्ट के अपोजिशन में ही तो बताए गए हैं ताकि वो उसको हम भिन्न कर सकें। हाँ वो बात कुछ हद तक सही है कि भाई रिलेटिव की अपेक्षा में रियल को समझने के लिए बताया गया कि भाई ये लिपायमान भाव है तो मैं निर्लय, उसका संगी स्वभाव है तो मैं असंग हूँ, वो क्षय होने वाला है तो मैं अक्षय हूँ, वो व्यय होने वाला है तो मैं अव्यय हूँ। बात आपकी सही है मगर सिर्फ इतना नहीं है, वेद विज्ञान में वो भेद के लिए तो ये दोनों के गुणों की संदर्भ में सापेक्षता से बताए गए, मगर अपने खुद के जो स्वतंत्र निजी गुण हैं जिसको कोई आधार की जरूरत नहीं है, मान लो परम ज्योति स्वरूप सिद्ध क्षेत्र में है वहां कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख का दाम हूं, मैं अव्याबाद हूं। और ये अव्याबादपन अनंत वीर्य ये सब जो है उसके स्वतंत्र गुण है, क्या है ज्ञान दर्शन सुख और शक्ति के अलावा अनंत वीर्य, वो शक्ति में भी जाता है वीर्य, मैंने कोई तत्व अन्य तत्व से उसके ऊपर कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है और वो स्वतंत्र अपने अपनी शक्ति से है, अव्याबाद स्वभाव है उसका, अविनाशी है, वो सब अपने स्वतंत्र गुण है। मगर समझने के लिए, क्योंकि अभी हम रिलेटिव के साधन से रियल को समझे पहले तो, और फिर हमारी यात्रा हो रही है, फिर जब हम निरालंब अनुभव की दशा में पहुंचेंगे, अभी क्या है ये हम शब्द के अवलंबन से हमारी पुरुषार्थ यात्रा जारी है। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जो दादाजी का स्टेज था जहां शब्द के अवलंबन की जरूरत नहीं है, वो निराल और कोई चीज के अवलंबन की जरूरत नहीं, कोई समझ ऐसी वेद विज्ञान की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, ऐसा खुद का निरालंब अनुभव, कोई भी बिना अवलंबन वाला अनुभव जिसे बोला जाता है, जो दादाजी को होता है और सब केवलियों को, सब तीर्थंकर भगवंतों को, वो सबको निरालंब अनुभव है, क्या है तो वो फिर वहां पर ये सब निकल जाएगा। वो जिसे बोलते हैं कि मूल अनुभव शब्दातीत है, क्या है शब्दातीत, ठीक है। तो स्वामी जी एक और एक मिनट और बोलिए। स्वामी जी जैसे हम चरण विधि में बोलते हैं ना, ज्ञान दर्शन से भिन्न मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन से भिन्न ऐसा कहाँ है, उसमें देखना चरण विधि में है। नहीं नहीं भिन्न शब्द कभी नहीं हो सकता है, ज्ञान दर्शन से भिन्न कैसे होगा, अनंता गुणों से। हाँ ज्ञान दर्शन आदि अनंता गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, ऐसा शब्द है, भिन्न ऐसा शब्द नहीं है। आदि ज्ञान दर्शन तो मेरा खुद का स्वभाव है, मैं कैसे भिन्न होगा उससे, पुष्प और पुष्प की सुगंध कैसे एक दूसरे से भिन्न होगी, वही तो ना। हाँ नहीं वो आपकी कुछ गलत वो आ गया, मैंने ये शब्द कैसे, नहीं आपकी गलती हुई है, वापिस पढ़ना। जैसे दीपक आनंद जी ने बताया
कि ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, ऐसा शब्द है। ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों से मैं शुद्ध हूँ, ऐसे मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ। मैं हाँ, पहला है कि मैं द्रव्य से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, तो मेरे शुद्धात्मा द्रव्य मैंने मटेरियल मैटर मेरा चेतन स्वरूप स्वरूप जो है। फिर ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ, और फिर है अनंता ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई अनंती अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। सो यहाँ ज्ञान दर्शन से भिन्न शब्द नहीं है, वो कुछ गलती है, गलती गलती वाली बात है। हाँ, मैंने गलत या तो मुझे कंफ्यूज जहाँ मुझे था वहाँ हो सकता है मैंने कुछ कुछ पढ़ने में समझ फर्क हुआ है, कोई बात। ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलिए आगे। दीपकानंद जी स्वामी आएंगे, वहां तक आगे जिसको भी बात करनी है हम अपना प्रयोग चालू रखेंगे। जय सच्चिदानंद। हाँ जय जय जय। वो किताब लेने गया था। हाँ नहीं, समझ गया, क्या ख्याल आ गया, ख्याल आ गया। हाँ डॉक्टर भारती बेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद। सभी महात्माओं से मेरा नम्र निवेदन है कि ये जो कुछ भी बात दादा की कृपा से हमारा स्वाध्याय चल रहा है वो अपना खुद के पुरुषार्थ को हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे हमें बताना सबको, तो हमें भी थोड़ा सा उसमें से कुछ निर्देशन भी मिलेगा और कुछ दादा को प्रार्थना भी हम करेंगे। हाँ चलिए। जिस चीज की इच्छा होती है जी उसका अंतराय होता है जी, तो उसका मुझे समझ में नहीं आया। कुछ चाहिए तो दादा सी से पूछो या तय करो या मेक भाव दैट इट शुड हैपन एंड इट विल हैपन बोलते, मगर इसमें तो अलग ही है। जिस चीज की इच्छा होती है उसका अंतराय होता है। इच्छा हाँ, होने से ही कुछ ट्राई करते, अंतराय होता है बोले तो समझ में नहीं आया। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। तो ये भावना और प्रार्थना, वो तो बात आपने बताई वो सही है कि जिस जो हमें समझ में आया जो भावना हुई उसकी हम नक्की करके प्रार्थना करते हैं तो वो व्यवस्थित में भी कंप्यूटर में जाता है। और दादाजी सब बिल्कुल सही है। यहाँ इच्छा का जो अर्थ है भारती जी डॉक्टर साहब, तो कई चीज जैसे होती है कि रिलेटिव में किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, वो मन बुद्धि के लेवल पर उसके इच्छा के अश्व दौड़ते हैं जो, तो बोलते हैं कि वो चीज प्राप्ति होने में थोड़ा विलंब हो जाता है। सहज रूप से तो कुदरत देने वाली है आपको, सहज रूप से। एक और वाक्य है, सहज मिला सो दूध बराबर, माग लिया सो पानी, खींच रिया सो रक्त बराबर, ये है कबीर वाणी, जिसने भी बताया। तो यहाँ इच्छा का अर्थ मन और बुद्धि अंतस्करण के लेवल पर जिसे अंग्रेजी में हम क्रेविंग बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता शब्द है क्रेविंग। और पहली जो बात आपने बताई भावना और प्रार्थना की, वो तो अपनी प्रेयर्स हैं या तो इनर मेरी हार्टिली मुझे मेरी डिसीजन होके प्रेयर हो रही है, तो दोनों में थोड़ा तात्विक फर्क है। और अंतराय मैंने उसको देने में थोड़ा मिलने में थोड़ा समय लगता है, ये भी बात किसके लिए सही है, तो बोले कुदरत जिनको ऊपर ले जाना है, ऊर्ध्व गति ऊपर की तरफ ले जाना है, उनके अहंकार को पुष्टि नहीं देती है, उनके अहंकार को कम करने का प्रयत्न कुदरत का होता है, और जिनको नीचे ले जाना है उनके अहंकार को कुदरत पुष्टि देती है। तो आप देखना जिनको ऊपर ले जाना है उनको इच्छा होती है तो जल्दी प्राप्ति नहीं होती है,
कई बार तो इच्छा खत्म हो जाने के बाद प्राप्ति होती है कि अभी चलेगा जाने दो, तब जाके प्राप्ति होती है। तो उससे होता क्या है, तो बोले अहंकार इन्फ्लेट नहीं होता है, अहंकार नॉर्मल रहता है। अहंकार समझता है कि अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो जब होना है तब जब व्यवस्थित है जो भी है, मगर जिनको नीचे ले जाना होता है तो वो तो थोड़ा करते हैं ना, उनको आके मिलता है, थोड़ा करते हैं आके मिलता है, तो उनको लगता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान, अहंकार बड़ा होने लगता है, तो वो अधम का कारण भी होता है, दूसरी अपेक्षा है उसकी। और तीसरी अपेक्षा ये है कि पुण्य के ऊपर आधार है, पहले प्रकार का जिसका पुण्य है थोड़ा सा विचार इच्छा तो क्या, विचार आया और सामने चीज खड़ी हो जा हाजिर हो जाती है, कोई उसमें मेहनत नहीं। दूसरे प्रकार का पुण्य है इच्छा हुई, थोड़ी मेहनत की और बाद में प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का पुण्य चंपल घिसने के लिए आगे बहुत पसीना आया, थकन थक गया कि अभी छोड़ो, वहां प्राप्त होता है। चौथे प्रकार के पुण्य वाले को प्राप्त ही नहीं होता है, कुछ उल्टा हो जाता है। तो उससे अलग अलग अपेक्षा है, मगर यहाँ मूल चीज ये है कि इच्छा में जब मन बुद्धि के साथ वो सम्मिलित होके क्रेविंग के स्टेज सॉर्ट ऑफ होता है, हंटिंग और क्रेविंग, तो कुदरत में उसमें डिले फैक्टर आता है। क्या आता है, अंतराय। मगर प्रार्थना और भावना की ना नहीं बोले, नहीं। अच्छा, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, थोड़ा सा। सो यू कैन ऑलवेज एस्पायर फॉर लिबरेशन और मोक्ष। हाँ यार, डेफिनेटली फॉर इट टू दादाजी, दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस सेइंग। ओके, जरूर सर। रिलेटिव में भी कुछ ऐसा है, मान लो एक उदाहरण स्वरूप के हमारे बच्चे होते हैं तो हम क्या भावना और प्रार्थना करें, तो बोले हे दादा भगवान, उनको रिलेटिव और रियल दोनों में जीवन में ऐसे उत्कृष्ट संयोग मिले कि ताकि रिलेटिव में वो अपना सुसंस्कारी या तो जो भी आप चाहते हैं वैसे बन के आगे बढ़े, और उनका रियल सवारा जाए, मैंने रियल भी प्राप्त हो। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। उसी प्रकार से रिलेटिव में भी कई कई जगह अपनी भावना होती है, प्रार्थना भी होती है कि भाई कोई बीमार है तो हम उसके लिए भी करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। मगर ऐसा कभी हम नहीं करते कि दादाजी मुझे अभी तो BMW लेक्सस चाहिए, दे दो, या तो ये 3 बेडरूम किचन का और उसे तभी 6 बेडरूम किचन का दे दो, ऐसा नहीं करते हम। तो ये तात्विक है। सेकंड वाला आप जो बोले समझ में नहीं आया मुझे, कौन सा लास्ट वाला मैंने 3 बेडरूम के पहले 6 बेडरूम उसके पहले कुछ बताए थे, या BMW लेक्सस मुझे मिल जाए ऐसे हम नहीं एनीवन इज ओके टू गो। कई लोग अभी मेरे पास मारुति है, मेरे पड़ोसी के पास BMW लेक्सस है, तो ओके ओके, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ comparison and greed with others. इच्छा में चला गया, वो रिलेटिव चीजों की जो क्रेविंग है वो ज्यादातर इच्छा में। उसी दिन में ये भी आया था, जगत में सभी वस्तुएं हैं पर मिलती क्यों नहीं, तब कहे अंतराय बाधा डालता है। जी जी, तो जगत में सभी चीज उपलब्ध है मगर हमें प्राप्त क्यों नहीं होती, मिलती मैंने हमें प्राप्त क्यों नहीं होती, तो बोले अंतराय है। उसमें यदि हम देखें तो एक तरीके से ऐसा है कि अंदर जो हमारे शुद्धात्मा भगवान है, और यदि सब कुछ बिना अंतराय वाला है तो इतना सिद्धि है उसकी कि उसको थोड़ा भी आया और मिल जाए, मगर हमें सब कुछ होने के बिना क्यों, खास तौर पर मान लो कई बार हम बीमार या तो कुछ चीज होती है और हमें सही डॉक्टर ही नहीं मिलता, सही दवाई नहीं मिलती, तो क्या वो विश्व में नहीं है, तो के हैं मगर हमें प्राप्त नहीं हो रही, कुछ अंतराय है। तो दादाजी भी वर्ल्ड में आए और गए भी, तो कई लोगों को प्राप्त हुए, कईयों को नहीं हुए, कईयों को तो कई प्रकार से ढूंढ रहे, साधना करे तो भी नहीं प्राप्त हुए, बाजू में रहते थे तो भी नहीं प्राप्त हुए, क्यों, तो बोले अंतराय। ऐसे कहीं कहीं चीजें जो चाहो वो विश्व में या तो ब्रह्मांड में तो उपलब्ध सभी चीज है, चीज भी उपलब्ध है, तो बोले प्राप्ति में रुकावट या बाधा किसकी है, तो बोले अंतराय की। और अंतराय तो काफी प्रकार के हैं, खुद सेल्फ क्रिएटेड ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो अंदर भी काम करते हैं, पहले ऑब्स्ट्रक्शन के स्वरूप में और फिर कुदरत से भी वो
संयोगों की प्राप्ति में ऑब्स्ट्रक्शन स्वरूप से काम करते हैं, जैसे कि अंतराय। और एक बार समझाइए अंतराय अपन कैसा डाल सकते। बहुत प्रकार से हम अंतराय तो डालना, जाने और अनजाने में भी अंतराय डालते रहना मनुष्य का एक स्वभाव जैसा प्राकृतिक आदत बन गई। हम समझाते हैं, एग्जांपल्स ले, वेरी सिंपल एग्जांपल कि कोई जगह पे डोनेशन करता है, पैसा इस्तेमाल करता है, किसी को हेल्प करता है, ये करता है, वो करता है, मेरे जैसा ओवरवाइज होता है तो बोलता है अरे भाई तू देख के जरा करना उसको, वो अच्छा है तो मेहनत क्यों नहीं करता है, काम नहीं करता है और भी बस मांग मांग के चलाता है, ऐसे आदमियों को क्या देना चाहिए। तो ये मैंने अंतराय डाल दिया, क्या कर दिया। इसी प्रकार से कई जगह हम बोलते हैं कि भाई आप ये सब जगह दे रहे हैं पैसे या चीजें, मगर आपने कभी देखा उसका वहीवट कैसा चल रहा है, वो तो सब लोग मजाक कर रहे हैं, साधु और ट्रस्टी और सब लोग, तो आप जरा संभाल के देना। तो एक अंतराय डाल दिया ऐसे। नेक्स्ट टाइम अपन देना बोले तो भी नहीं दे सकते। हाँ, वो ना कई प्रकार से अंतराय। अच्छा, दूसरा है कि व्यवहार में भी काफी कुछ अंतराय हमारे से जाने अनजाने में, मानो कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा था, हम बोले जाने दोने, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, क्या है इसकी पिजुल का समय बिगाड़ने का जरूरी। तो हमने अंतराय कर दिया, क्या कर दिया, कई बार जेलसी से कर देते हैं, कई बार अज्ञानता से कर देते हैं, ऐसे तो कई तरीके से हमारे नजदीकी वाले कोई होते हैं और उनको कोई किसी से अच्छे रिलेशन होते हैं और कोई उनकी साथ कुछ लेन देन का व्यवहार कर रहा है और हमारे साथ नहीं कर रहा है, तो जाके हम कुछ बोल देंगे, लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी अंतराय हो गया। ऐसे मूल देखो रिलेटिव में जो अंतराय है वो लाभांतराय बोलते हैं, कि किसी को कोई कुछ लाभ हो रहा है और हमने कुछ एडवर्स कमेंट की, कुछ रोका, कुछ टोका, तो वो लाभांतराय हो गया। फिर ज्ञानांतराय होता है, ज्ञान का जो है, तो कई लोगों ने बोला कैसे कोई एक घंटे में थोड़ा मोक्ष हो सकता है, वो तो खुद भगवान हो गए हैं, क्या अपने आप को भगवान कहलाते हैं उसमें। तो कोई बोलते हैं तो सभी जगह यही बात की है ना, उसमें नया क्या है। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार से हम न समझते हुए भी कमेंट कर देते हैं, तो एक कर्टेन अंदर भी बन जाता है और बाहर भी संयोग हमें प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे तो कई प्रकार से अंतराय तो हो बहुत प्रकार से बनते जाते हैं, मगर अभी हम मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें रहें, सब में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखें, सबको का सुख और कल्याण हो, मन से वाणी से काय से मैं किसको हेल्प कर सकूँ, नहीं कर सकूँ तो जो करता है उसको हेल्प भी अनुमोदन करो, तो वो पॉजिटिविटी के पक्ष में हम आ गए तो अंतराय टूटने लगेंगे। और मैं शुद्धात्मा हूँ उसको तो कोई अंतराय नहीं है, मगर ये रिलेटिव का जो जाला गुथ गया है उसमें ये सब अंतरायों की बात है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप बोले थे somebody is singing very well, yes. तो और एक बोलेगा कि ये टाइम पूरा बिगाड़ रहा उसमें क्या है, तो हाँ। उसमें कैसा अंतराय डाल रहे हैं अपन। वो मैं गा नहीं सकूंगा, फिर मेरा कंठ बिगड़ जाएगा, मेरे जो गाना है तो भी ऐसा गाना निकलेगा कि सब भाग जाएंगे। अच्छा, I will not be able to sing if I say like that. हाँ, वो गुण मेरे में नहीं आएगा, वो शक्ति मेरी वो शक्ति पर एक पर्दा पड़ जाएगा, वो शक्ति जैसे बोलते हैं ना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। और एक आप ज्ञान के बारे में बताए थे, ये तो ज्ञान की बातें हर जगह है, हाँ, ये हाँ, सब सुनने का क्या है, ऐसा अपन बोलने से कैसा अंतराय आएगा अपने को? वो हमको ज्ञानांतराय पड़ गया ना, समझने पर हमने जो जो भी हमारे से कमेंट हो गई तो एक ज्ञान का पूरा लाभ मिलने में, वो हमारे हृदय में खुला होने में, उसका मर्म समझने में, उसका मर्म पाने में, अनुभव में हमें एक पर्दा पड़ जाएगा, ज्ञानांतराय बोलते हैं उसको। अच्छा, वो ज्ञान अपन समझ नहीं सकते। हाँ, पूरा समझ नहीं। हाँ, वो अंतराय हो गया, कमेंट करे नेगेटिव कमेंट करे इसीलिए। हाँ, कोई भी एडवर्स मन से वाणी से या काया से, विचार से, वाणी से या वर्तन से, जहां भी कुछ एडवर्स हुआ, कुछ रोका, कुछ टोका, वो सब अंतराय में जाता है।
इसलिए अपन किसी का रिलीजन के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं बोलना नो नेगेटिविटी बिजनेस अक्रम विज्ञान ये बोलता है कि ओनली पॉजिटिविटी बिजनेस कुछ भी फॉलो करने दो मेनी पाथ्स आर देयर नहीं आपको आपको उसके प्रति लागनी है आपको लगता है तो आप उसको आगे ले जाने के लिए कुछ समझाइए कुछ पॉजिटिव दीजिए मगर उसकी क्रिटिसिज्म या कंडेम मत करिए उसको आगे ले जा सकते तो जरूर ले जाने की उसको बात करिए बात एडिशनल करवाइए मगर जो वो जो जहां बैठा है उस डाली को काटो मत अच्छा अच्छा उनका फेथ को कंडेम नहीं करना क्रिटिसाइज नहीं करना डेफिनेटली डेफिनेटली ओके ओके थैंक यू सो मच जय सच्चिदानंद जय सचिदानंद दीपक आनंद जी जय सचिदानंद शैलेश आनंद जी जय सचिदानंद महात्मा आई वॉन्ट टू नो ये जो हम कोई भी प्रार्थना करते हैं उनका अर्थ होता है उनके पीछे कोई मीनिंग होती है हमें ऊपर उठाने के लिए मुझे ये मंगलाचरण के बारे में समझना है जरूर से तो ये जो प्रार्थना है वो दो अंग है उसके एक दादा भगवान के संबोध को संबोधन करके उनके अनुलक्ष्य से जब हम करते हैं तो निधि ध्यासन और उनकी हाजिरी मगर सही अर्थ में तो यहाँ जो भी कुछ हो रहा है आरती या स्तुति वो खुद खुद की कर रहा है क्योंकि परिणमित खुद में होता है तो बोलते हैं निज स्वभाव से सदगुरु गुरु के दो प्रकार हैं एक लौकिक गुरु होते हैं जो रिलेटिव में हमें प्रगति के लिए अलग अलग जीवन के हिस्से में अलग अलग तरीके से जिन्होंने हमें हेल्प की लाइट दिया मार्गदर्शन किया कुछ भी किया और दूसरे हैं सदगुरु जिनको सत और असत विनाशी और अविनाशी का पूरा अनुभव है और जो हमारा सत प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं वो सदगुरु हैं सद मैंने अविनाशी शुद्धात्मा अविनाशी जो है तो बोले निज स्वभाव से सदगुरु उनका खुद का स्वभाव वो दादा भगवान एम पटेल अम्बालाल मूलजी भाई पटेल में थे ही नहीं वो तो उनका देह मंदिर था जो जिस जिस जिसको कुदरत ने निमित्त बनाया कल्याण का मगर वो खुद तो अपने ज्ञान दर्शन वाले दादा भगवान स्वरूप में स्थिर थे तो बोले निज स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है और वो जहाँ स्थित है मैं शुद्धात्मा पद में अपने शुद्धात्मा परमात्मा पद में हमेशा स्थिर है वो अगुरु लघु न कम होता है न ज्यादा होता है और सर्वज्ञ मैंने सर्वज्ञों को जानने वाले तो दादा भगवान या तीर्थंकर भगवंत ऐसे होते हैं जिनके अपने शुद्धात्मा के शुद्ध केवल मैंने अत्यंतिक अंतिम शुद्ध ज्ञान दर्शन प्रकाश में अंतर और बाहर के अंतर मैंने मनवाणी काया के और बाहर के मैंने पूरे ब्रह्मांड के सभी ज्ञेयों और दृश्य सभी ज्ञेयों को जानने वाले उनको सर्वज्ञ कहते हैं तो उनको सभी ज्ञेय दृश्य अपने ज्ञान में उन्होंने देखे हैं ज्ञान दर्शन में आ गए अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्म तमासिद परम गुरु जैसे अभी सूक्ष्म की हम सूक्ष्मतम की जो बात कर रहे थे तो दादा भगवान जो अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप शुद्धात्मा परमात्मा स्वरूप में स्थिर है वो सूक्ष्मतम है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान जैसे और अपने को भी सिद्ध पद में बिठा सके वो बीज दे सके ऐसे ये परम गुरु है उससे आगे बड़े गुरु हो नहीं सकते परम मैंने इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं द बेस्ट और द अल्टीमेट सत्यम निश्चय वंद्य है तो हम सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात करते हैं तो परम सत्य जिसको सत बोला जाता है तो सत्यम निश्चय वंद्य है ऐसे ये जो वर्णन किया कि जो अपने खुद के स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ और सूक्ष्मतम और सिद्ध स्वरूप है वो निश्चय से मेरे लिए वंदनीय है सत्यम निश्चय वंद्य है 33 कोटि दैव गण विश्व हितार्थ स्वागतम
तो उसके साथ मैं सभी 33 कोटि देवी देवताओं को प्रार्थना भी करता हूँ, निमंत्रण भी देता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ कि आप सब ये जगत कल्याण यज्ञ के लिए पधारे और आप सबका ये जगत कल्याण के लिए, विश्व के हित के लिए, विश्व के लाभ के लिए स्वागत है। जग कल्याण के यज्ञ, ये बहुत ऊंची बात है। वो स्वयं इतने ऊपर, लेकिन वो फिर भी 33 कोटि देवगण को नमस्कार करते हैं। सच्चा हाईएस्ट स्टेट है, क्योंकि क्योंकि भगवान तो उसकी हाजिरी से काम होता है, मगर भगवान की हाजिरी अकेली नहीं है। ये पूरा जो प्रयोग है रिलेटिव रियल जगत कल्याण का भी जो प्रयोग है, उसमें काफी एविडेंसेस चाहिए। तो न केवल देव देवियों, क्योंकि ये देव देवियों की, देखो कोई भी धर्म शासन भी होता है ना, तो उसके पीछे भी उनके देवों का रक्षण होता है। ये आप मंदिर भी देखेंगे, कोई भी मंदिर में भी आप जाएंगे और जो अलग अनुभूति होती है, तो वहां पर वो शासन रक्षक देव देवियों का प्रभाव और कृपा और हेल्प रहती है। तो इसलिए अम्बालाल मुरझी भाई पटेल, जिनको जगत कल्याण का ही निश्चय और उनकी भावना थी, दादा भगवान तो प्रकट परमात्मा, तो वो दादा भगवान की हाजिरी में अम्बालाल मुरझी भाई पटेल की ये जो जगत कल्याण की भावना, तो वो निरंतर कहीं पर भी जाने से पहले भी सभी प्रार्थना और देव देवियों को विधि करके ही निकलते थे। और दादाजी ने बताया भी था कि सभी देवी देवता हमारे पर और मैंने ये जगत कल्याण के कार्य में अति प्रसन्न रह के हेल्प करते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, नहीं तो होता नहीं, नहीं तो बाधा डाले वो। तो बोलते हैं 33 कोटि दैवगण विश्व हितार्थे स्वागतम जग कल्याण के यज्ञ में मंगलमय द्वाशीषम। एक हमारे घर में छोटा प्रसंग होता है तो भी हम सबके आशीर्वाद लेते हैं, शादी का प्रसंग होता है तो भी वडीलगण से सबके आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वो एक सूक्ष्म ब्रह्मांड की शक्ति का नियम है, एक वाइब्रेशन का एक एक अलग नियम है। उसी प्रकार से यहाँ सभी देवी देवताओं को हम विनंती प्रार्थना करते हैं कि जगत कल्याण के यज्ञ में आपकी मंगल आशीष है, आपकी मंगल सहायता आप हमें दी, आप सबको दीजिए। सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष, ये जो दादा भगवान ज्ञानी पुरुष वो सिद्ध स्वरूप है और मोक्ष का मूर्तिमंत स्वरूप। मैंने मोक्ष तो अरूपी माना गया है, अमूर्त माना गया है, मगर यदि मूर्त मोक्ष को देखना है, मूर्तामूर्त को देखें आप, तो ये हमारे सामने जो ज्ञानी पुरुष है वो मोक्ष का मूर्तिमान स्वरूप, देह होते हुए भी वो अंदर से मुक्त है, विदेही है, सिद्ध स्वरूप में का अनुभव में है। तो बोलते हैं सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष गलती भूल को माफी दियो, व्यवहार सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दियो। तो हम बोलते हैं कि हे प्रगट परमात्मा, आप तो मूर्त मूर्तामूर्त परमात्मा है, आप प्रगट मोक्ष स्वरूप है, हमारी मैंने शैलेश की सभी गलती भूल को और ज्ञान में जो मैं अजागृति से प्रमादवश जो उपयोग चुक जाता हूँ, वो दोनों प्रकार की गलतियों को मुझे माफी दो। व्यवहार में सद्बुद्धि हो, ये मनवाणी काया से जो व्यवहार चल रहा है उसमें सद्बुद्धि, मैंने अरस परस हितकारी और साथ में शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ पांचवी आज्ञा का मेरा वही खाता भराता रहे, भरता जाए, ऐसी सद्बुद्धि हो। क्योंकि व्यवहार में तो बुद्धि होगी, क्योंकि व्यवहार मैंने रिलेटिव डिस्चार्ज अहंकार भले वो बालक जैसा उसमें से, तो व्यवहार सद्बुद्धि हो और निश्चय में अभिवृद्धि दियो। प्रज्ञा रिलेटिव और रियल को भेद करके निश्चय की अभिवृद्धि बीज से तीज चौथ पांचम पूनम तक जा रही है। तो ये इतने 6 लाइन में सब कुछ आ गया कि हमने परमात्मा का स्वरूप भी हाजिर किया, समझा उसको, वो किया, देवों को भी प्रार्थना की और फिर परमात्मा के आगे हमारे मन वाणी काया नाम नाम की माया सभी कर्मों के समर्पण भाव और हृदय के एकात्म भाव से गलतियों की माफी मांग करके हमारे लिए जो आवश्यक है व्यवहार में सद्बुद्धि और निश्चय में वृद्धि वो भी मांगा, प्रार्थना कीजिए। ठीक है, क्या सुनाई नहीं, इतना हाईएस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमिलिटी दादा भगवान का, यू नो। जी जी, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कुछ समय है हमारे पास,
शरी चांदन जी कुछ प्रार्थना बोल रहे थे, हम कुछ प्रार्थना बोल रहे थे ना करेंगे या समथिंग ही वैसे ही। कब कब बात हुई? अच्छा नहीं, मैंने ऐसे सुना शायद। नहीं आज नहीं, ओके तो ओके, अक्सर हम किया करते हैं, आज तो इसी की बात हुई। गीता में बोले जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आज के पोस्ट में आया था कि स्टैंडर्ड वाले को मोक्ष नहीं मिलता, आउट ऑफ स्टैंडर्ड को मोक्ष मिलता है जी। क्या कहना चाहते हैं दादा जी? ऐसा है कि ये अहंकार बढ़ाने वाली या सुपीरियरिटी की बात नहीं है, मगर स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो अपनी बिलीफ, मान्यता और समझ, देखो केजी, लोअर केजी, हायर केजी, पहला, दूसरा, तीसरा स्टैंडर्ड, चौथा स्टैंडर्ड, पांचवा स्टैंडर्ड, वो सब क्या है कि एक सीमा में बंधे हुए हैं। वो जो उसको जितना समझ में आया है उतना वो समझ करके वो सीमा में बंधा है कि ये सही दूसरों का गलत, ये सही ये गलत। तो वो असीमित दर्शन, समझ या ज्ञान नहीं होता है, सही भी नहीं होता है। वो लौकिक में प्रगति कर सकता है रिलेटिव में, मगर अंत में जाके आउट ऑफ स्टैंडर्ड मैंने ये जो दृष्टि प्राप्त है जिसे अलौकिक कहते हैं, कि लोक में शास्त्र होता है, इंफॉर्मेशन होती है, पंडिताई होती है, व्याख्यान होता है, मगर ये जो अलौकिक बात है रिलेटिव रियल या पांच आज्ञा या शुद्धात्मा की जो दादाजी ने सब बात की, वो कहीं पर भी लोक में कोई भी स्टैंडर्ड चल रहा है उसमें नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड मैंने अपने अपने लेवल वाले जो धर्म, पंथ, मान्यता, संप्रदाय, पाथ, हित, जो भी आप शब्द यूज करो, उसकी एक सीमा होती आ जाती है, क्या होती है, और सीमा में वो बंधे रहते हैं। ये अपने तो दादाजी ने जो दृष्टि दी वो सभी सीमाओं को पार कर गई। अरे यहाँ तक कि चारे गतियों के जीवों को हम उनके शुद्धात्मा के रियल स्वरूप से दर्शन करते, नहीं तो कौन भला जानवर में या तिरियंश में शुद्धात्मा देख के दर्शन करेगा? देव वाला बोलेगा कि हम सुपीरियर है, और नरक वाले को तो छी 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 आपने कैसा किया, नरक में चले गए। अवस्थावर्ती दृष्टि होगी, तत्ववर्ती दृष्टि कभी की होगी, और ऊंच नीच, सुपीरियर इंफीरियर चलता रहेगा। तो ये दृष्टि जो मिली आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी आप शब्द यूज करो, सब अवस्थाओं को जानते हुए भी शुद्ध का दर्शन करते हुए हम सबसे बाहर निकल गए, सभी सीमाओं को पार कर गए। कोई अपने लिए पराया नहीं, कोई अपने से भिन्न नहीं, भले ना वो लोअर केजी में है, हायर केजी में, जहां भी है, वो तो उसका अवस्था का फ्लो है, मगर शुद्धात्मा तो शुद्ध है और हम दोनों को जान सकते हैं और भेद को पार भी कर सकते हैं। तो ये है कि मोक्ष स्टैंडर्ड वाले को नहीं मिलता, आउट ऑफ स्टैंडर्ड जाए तभी मोक्ष मिलेगा, मगर यहाँ चीज मुश्किल ये है कि हम तो दृष्टि प्राप्त हैं और यहाँ दृष्टि के साथ महात्माओं का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें दादाजी की कृपा से समझ में आएगा, मगर ये वाक्य आप बाहर जगत को देंगे तो जगत क्या समझेगा, किसको स्टैंडर्ड बोलना, किसको स्टैंडर्ड नहीं बोलना। वो तो बोलेगा मैं स्टैंडर्ड में नहीं हूं। आप किसी को बोल पाओगे कि भाई आप पांचवी स्टैंडर्ड में हो, दसवीं स्टैंडर्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी की या इनर इवोल्यूशन की आप ये स्टैंडर्ड में हो, ऐसा किसी को क्या बोल, कौन बोल सकेगा, और वो खुद कैसे समझेगा। जहां तक उसको आउट ऑफ स्टैंडर्ड करवाने वाला कोई मिलता नहीं, ऐसी दृष्टि देने वाला, ऐसा अनुभव करवाने वाला, तब तक ये स्टैंडर्ड और आउट ऑफ स्टैंडर्ड की बात सिर्फ पुस्तक में, शब्द में रहती है, काम में क्या आएगी उनको, जगत को क्या काम में आएगी। हाँ, अपने लिए बरोबर है समझने के लिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है और हमें उसका महिमा और उसका लाभ क्या है और कैसे लेना है, वो बरोबर है, मगर यदि मैं जगत में जाके लगाऊं बम कि आउट ऑफ स्टैंडर्ड होना है तो जगत मुझे मारेगा, क्या करेगा, मुझे तो समझ में आता है, क्योंकि उसका मतलब हुआ मैं उनको बोलता हूँ आप स्टैंडर्ड में हो और मैं आउट ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, तो मारेगा मुझे, क्या करेगा, मारेगा। तो ये समझने की बात है, ये दादाजी ने हमारे लिए बताया, वो बरोबर है, मगर उसको हम गा बजा के जगत तक ले जाने की जब कोशिश करते हैं, तब हमें खुद को पूछना चाहिए कि ये जहां भी जाएगा उसको लाभ करेगा या कंफ्यूज करेगा।
क्योंकि उसके पीछे लिखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड क्या है, आउट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, आउट ऑफ स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, ये सब प्रश्न आए कि नहीं आए? आए। फिर और जो हो गया है उसको बोलना नहीं है, वो थोड़ा बोर्ड लोके फिरेगा कि मैं आउट ऑफ स्टैंडर्ड हो गया हूँ, आइए यहाँ दुकान में। मुझे तो ऐसा अभी दादाजी के अंदर वाले दादाजी ऐसा बोल रहे हैं मुझे तो, कि भैया आप परम विनय से चलो, क्या चलो, किसी का भी प्रमाण न दुभाया जाए ऐसी दृष्टि से चलो, और उसको लाभ हो तो आपका निमित्त अच्छा है, बरोबर है, मगर उसको कंफ्यूज करो तो लकड़ी आपको पड़नी चाहिए कि दादा का मार्ग पाके, दादा की दृष्टि प्राप्त होके भी आप इतना नहीं समझे कि कोई आपसे कंफ्यूज हो जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। तो प्रार्थना की बात हुई तो एक दो मिनट हम प्रार्थना कर सकते हैं जरूर से, जो भी अंदर दिल में आते हैं, जो अक्सर मैं सत्संग की शुरुआत में प्रार्थना करता हूँ, मगर अभी कुछ समय से फिर वो अंदर ही कर लेता बाहर नहीं करता। तो दीपकानंद जी जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे, समय तो हो गया है। जय सच्चिदानंद, समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए करेगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पनासनो, पावे पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सब